Hi, how are you? In this part of the video, I am going to teach you about gerund and participle, the difference between the two. Before this, I have already finite verbs and the difference between gerund phrase and participle phrase. So before this video, you should watch all those videos I have uploaded so that they can be interconnected to give you the basic idea about the non-finite verb and the gerund and participle. तो इससे पहले आप gerund and participle का जो मैंने वीडियो बना रखा है non-finite verb का, उसको आप देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो चलिए इसमें जानते हैं जेरेंट और पार्टिसिपल क्या होते हैं। इसके बाद हम बताएंगे पजेसिव जेरेंट क्या होते हैं, और इसके बाद हम आपको एक्टिव और पैसिव जेरेंट, सिंपल जेरेंट, परफेक्ट जेरेंट जो भी है उसके बारे में हम आपको अंतर बताएंगे। देखिए यहाँ पर मैं जेरेंट जो है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द जो प्रीपोजिशन होता है इसके रूप में काम करता है। इतने रूप में जेरेंट काम करता है। आप देख सकते हैं या तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, किसी भी रूप में ये जेरेंट जो है आपका ये काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देखते हैं कि किस किस रूप में कैसे काम करता है। देखिए जैसे कि हम लिखते हैं एज ए सब्जेक्ट, हम लिखते हैं वर्ब का, तो लिखते हैं सिंगिंग इज ए गुड आर्ट। हमने यहां पे लिख लिया सिंगिंग इज ए गुड आर्ट। अब हमने आपको बताया था कि जेरेंट जो होते हैं उसमें ना से पहचानते हैं पार्टिसिपल को करते हुए। अभी हम जेरेंट सीख रहे हैं, और जेरेंट नाउन का काम करता है। करता है मतलब सिंगिंग इज ए गुड आर्ट, मतलब जो गाना है, गाते हुए नहीं है यहां पे भी नहीं, यहां पे है गाना, लास्ट में क्या है ना। ये मैंने सिखाया था आपको इसमें फ्रेज वाली में, पार्टिसिपल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज में। और मैंने ये भी बताया था कि नाउन को प्रोनाउंस रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ए, खैर वो तो हम डिफरेंस से बता देंगे आपको। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं इज जो है इसका ये सब्जेक्ट है जो सिंगिंग है। अब यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, या मेन वर्ब भी कोई हो सकता है, प्रिंसिपल वर्ब, जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं सिंगिंग डिस्क्राइब्स योर पर्सनैलिटी। मतलब सिंगिंग जो है आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्क्राइब करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब का सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब था इसके अलावा जो मेन वर्ब है वो भी यूज होता है। साथ में यह जो है सिंगुलर में यूज होता है, सिंगुलर में यूज होता है, इसी कारण से हमने यहाँ पे डिस्क्राइब में एस और एस लगा रखा है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते थे ही गोज, शी गोज, शी राइट्स, वैसे यहाँ सिंगिंग को सिंगुलर में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब या हैव या मान के चलिए मतलब प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो बन गया आपका सब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए आई लाइक सिंगिंग, यहां पे क्या हो गया, यहां पर मैं लाइक जो है ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया सिंगिंग। मतलब मैं सिंगिंग जो है वो पसंद करता हूं, मैं गीत गाना पसंद करता हूं, तो यहां पे ये बन गया। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है उसको कैसे यूज करते हैं, देखिए शी इज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। मतलब उसे लेट आने के कारण जो है पनिश किया जाता है, उसको सजा दिया जाता है। तो यहां पर मैं She is punished for, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये पनिश जो है आपका ये भी वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर मैं जो फॉर प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है। हमने आपको शायद पिछले क्लासेस में आज से 6-7 महीने पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट टू सेंटेंस से कैसे बाहर निकालते हैं। जब भी हम सब्जेक्ट में व्हाट लगे क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि शी इज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, उसे जो है कमिंग मतलब लेट आने के कारण जो है
उसे क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। अगर हम इसको क्वेश्चन करें कि फॉर व्हाट इज शी पनिश्ड, मतलब वो उसे किस कारण से पनिश किया जाता है, तो आंसर आएगा कमिंग लेट। तो इससे पता चलता है कमिंग लेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका प्रिपोजिशन है, तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमने देखा कि अभी वर्ब का सब्जेक्ट बना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, और प्रिपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन गया, और एक मैंने फ्रेज वाला बताया था वो तो है ही है, ठीक है। तो ये तो था आपका शॉर्ट में मैंने आपको जेरंड बताया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा कंपैरिजन करते हैं पार्टिसिपल से। अब हम थोड़ा पार्टिसिपल में चलते हैं। पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, हम रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे कि हम ऐसे नहीं लिख सकते आई सॉ हिम इट, गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, ये मीनिंग लेस हो गया, ठीक है। तो आई सॉ हिम इट, नो देयर्स नो मीनिंग, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये पार्टिसिपल है। दूसरा बात आपको क्या होता है, पार्टिसिपल कभी कभी या तो उसके आगे, देखिए, या तो उसके बिफोर में प्रोनाउन नाउन आएगा या तो आफ्टर आएगा। अभी जो मैंने बनाया था आई सॉ हिम सिंगिंग बनाया था, तो इसमें क्या है कि आपने देखा कि सिंगिंग से पहले यहां आ रहा है हिम, यहां पे हिम को यह सिंगिंग क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन बाद में भी आता है। जैसे देखिए आई सॉ ए फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, मैंने एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर देखा। आप देख सकते हैं कि यहां पे फ्लाइंग के बाद जो है ये नाउन है, इस नाउन को यहां पर मैं फ्लाइंग जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। अब इस नाउन को हम इट से नहीं रिप्लेस कर सकते, तो इससे पता चलता है ये पार्टिसिपल है। बाकी जो पार्टिसिपल फ्रेज और जेरंड फ्रेज बताए हैं उसमें हमने बारीकी से निकाल के बताया कि कैसे हम समझेंगे जेरंड फ्रेज है या पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जेरेंट और पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, शुरुआत में बताया। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है आपको पॉली पार्टिसिपल के बारे में बता देते हैं, पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके बाद जो है हम फिर जेरेंट फ्रेज थोड़ा सा समझेंगे, इसके बाद परफेक्ट वाले समझेंगे, सिंपल वाले समझेंगे, एक्टिव पैसिव वाले, ठीक है।